गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश स्टार बर्स्ट लिटरेचर बुक का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। पाइंग द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, पाइंग जो कि एक व्यक्ति का नाम है और उसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से पुकारा गया, तो उसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया क्यों बोला गया, उसने क्या ऐसा किया जिसके चलते उसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया बोला गया, वो इस चैप्टर को पढ़ने से पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं आगे। डे बाई डे द वर्ल्ड फॉरेस्ट कवर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, दिन प्रतिदिन जंगलों का जो इलाका है, जंगलों का के द्वारा कवर किया गया जो वर्ल्ड का पूरा इलाका, इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वो क्या होते जा रहा है, वो धीरे धीरे घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है। मीन्स जितने एरिया में पहले जंगल हुआ करते थे, अब उतने एरिया में जंगल नहीं रह रहे हैं, वो घटते जा रहे हैं, क्योंकि वनों की कटाई बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है। तो दिस डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू अ वरिंग चेन ऑफ इवेंट्स, और ये जंगलों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों की कटाई, और इस जंगलों की कटाई के चलते हमें कहाँ जाना पड़ता है, वरिंग चेन ऑफ इवेंट्स मतलब एक चिंताजनक घटनाओं का सामना करना पड़ता है हमें, यानी ये जंगलों की कटाई हमें एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति की तरफ लेके जाती है। जैसे जंगलों की कटाई की वजह से बाढ़ आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होते हैं, भूकंप होते हैं, यानी जंगलों की कटाई की वजह से बहुत सारे चिंताजनक स्थितियों का सामना हमें करना पड़ता है। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड नेम द कंडीशन एंड व्हाट इट मे लीड टू, इन पिक्चरों को देखिए और इस कंडीशन का नाम बताइए और ये समझिए कि ये स्थिति जो है ये हमें किस स्थिति की तरफ ले जा रही है, ये जो पिक्चर हमें किस स्थिति की तरफ ले जा रहे हैं ये बताता है। मैच द वर्ड्स टू पिक्चर फर्स्ट, जैसे वाइल्ड एनिमल्स लूजिंग देयर होम्स एंड स्ट्रेइंग इनटू ह्यूमन हैबिटेशन एंड गेटिंग किल्ड बाय ह्यूमंस, जो जंगली जानवर हैं वो अपने घर खोते जा रहे हैं, यानी जंगलों के कटने से उनका जो घर था, चूंकि वो लोग जंगल में ही रहते हैं, तो जंगलों के कटने से उनका घर बर्बाद होते जा रहा है, खोता जा रहा है, एंड स्ट्रेइंग इनटू ह्यूमन हैबिटेशन, जिसके चलते वो मानव के रहने वाले इलाके में घूमने लग रहे हैं, एंड गेटिंग किल्ड बाय ह्यूमंस, और लोगों के द्वारा मारे जा रहे हैं। मीन्स अगर जंगल होते तो वो लोग जंगल से बाहर नहीं निकलते, जंगलों के कटने से उन्हें मजबूरन मानव के इलाके में, आदमी के व्यक्ति के इलाके में आना पड़ रहा है, और जिसके चलते उनकी जान चली जा रही है, लोगों के द्वारा मार दिए जा रहे हैं। फ्लड एंड सॉइल इरोजन, बाढ़ और मिट्टी का कटाव, पेड़ों के कटने से क्या होता है, बाढ़ आते हैं, मिट्टी का कटाव होता है, अपरदन होता है। एक्सेसिव हीट ड्यू टू पुअर रेनफॉल एंड क्लाइमेट चेंज, बहुत ज्यादा गर्मी ड्यू टू पुअर रेनफॉल, अब जब जंगल की कटाई होती है, पेड़ जब कम होंगे तो रेनफॉल जो वर्षा होगी वो बहुत ही कम होती है, जिसके चलते बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती है और क्लाइमेट हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, सुखाड़ आ जाता है, ड्रॉट आ जाता है। वाइल्ड एनिमल्स गेटिंग हिट बाय ट्रेन्स, जो जंगली जानवर हैं वो ट्रेन के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, हिट कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, क्योंकि जंगल नहीं रहने से ये लोग बिछड़ते रहते हैं इधर उधर, तो ये सब परिस्थितियां जंगलों के कटने से आती हैं। अब आगे देखते हैं। इट वॉज द स्क्रॉचिंग समर ऑफ 1978 व्हेन जाधव पायेंग, अ माइसिंग ट्राइबल टीनेज बॉय, रिटर्न टू हिज बर्थ प्लेस एट अरुणासपोरी, अ रिवर आइसलैंड ऑन द ब्रह्मपुत्र। स्क्रॉचिंग का मतलब होता है चिलचिलाती, बहुत ही ज्यादा गर्मी, यानी चिलचिलाती गर्मी का वो दिन था, कब का, 1978 का, यानी 1978 का वो चिलचिलाती हुई गर्मी का दिन था, जब जाधव पायेंग नाम का एक बच्चा, अ माइसिंग ट्राइबल टीनेज बॉय, जो कि एक माइसिंग जनजाति का एक 15-16 साल का एक लड़का था, टीनेज का मतलब जैसे 14 से 19 साल के बीच के उम्र के बच्चे को टीनेज बॉय बोला जाता है, एक माइसिंग ट्राइबल, ये एक जनजाति है माइसिंग, जो कि आसाम और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये वेन जाधव पायेंग, अ माइसिंग ट्राइबल टीनेज बॉय, जो कि एक 15-16 साल का माइसिंग जनजाति का लड़का था, रिटर्न टू हिज बर्थ प्लेस, वो अपने जन्म स्थान पर वापस आया, एट अरुणासपोरी, उसका जन्म स्थान कौन सा था, अरुणासपोरी, यानी अरुणासपोरी वो वापस आया,
रिवर आइसलैंड ऑन ब्रह्मपुत्र, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ एक आइलैंड था यानी द्वीप था, कौन सा? अरुणासपुरी। तो वो अपने बर्थ प्लेस पे आता है। शी हैड जस्ट कम्प्लीटेड हिज क्लास 10th एग्जाम्स, और उसने उसी समय अपना क्लास 10th का एग्जाम कंप्लीट किया था, एंड वॉज अबाउट टू लूप स्ट्रेंजली बैक इन टू अ डिफरेंट फेज ऑफ हिज लाइफ, और वो अपने पहले फेज, अपने जीवन के पहले अवस्था से एक अजीब टाइप के अवस्था में, एक अलग बिल्कुल ही विभिन्न अवस्था में प्रवेश करने वाला था। कहने का मतलब यहाँ ये है कि पहले उसकी जो फेज थी जीवन की, वो उसमें पढ़ाई लिखाई स्कूलिंग करता था, स्कूल जाता था, लेकिन अब जो उसकी स्थिति आने वाली है वो स्कूल से दूर होने वाला था, अब वो जीवन के दूसरे फेज में प्रवेश करने वाला था। बट नो वन कुड हैव प्रेडिक्टेड हाउ डिफरेंट, लेकिन किसी को ये पता नहीं था, कोई ये अनुमान नहीं लगा सकता था कि वो फेज जो है उसका जीवन का, वो जो अवस्था है, वो टाइम आएगा जीवन का, वो कितना डिफरेंट होगा, ये किसी को पता नहीं था, कोई अनुमान नहीं लगा सकता था। ऑन रीचिंग होम पाइंग विटनेस्ड अ साइट दैट शुक हिम टू द कोर, घर पहुंचने पर, ऑन रीचिंग होम घर पहुंचने पर पाइंग विटनेस्ड साक्षी बना, साक्षी मतलब देखा, एक प्रकार से जो दृश्य उसने देखा उस दृश्य का साक्षी बना। पाइंग विटनेस्ड, पाइंग ने देखा अ साइट, एक ऐसा दृश्य, दैट शुक हिम टू द कोर, जो उसे हिला के रख दिया, टू द कोर, टू द कोर का मतलब बिल्कुल ही अंदर से हिला के रख दिया, मतलब पूरा झकझोर दिया, कौन सा? उस दृश्य ने, जो उस दृश्य को उसने देखा था। मोर देन 100 स्नेक्स कर्व्ड लूप्ड एंड ट्विस्टेड लाइफलेसली ऑन द डिजर्टेड सैंड बार, 100 से अधिक सांप लिपटे हुए, मुड़े हुए, एक दूसरे से लिपटे हुए, लाइफलेसली बिल्कुल ही बेजान, मतलब मरे हुए, पड़े हुए थे ऑन द डिजर्टेड सैंड बार, उस वीरान रेत पर, उस वीरान रेत पर जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, चूंकि वो गांव था तो वहां रेत बहुत ज्यादा थे, उस वीरान रेत पर 100 से अधिक सांप एक दूसरे के साथ लिपटे हुए, मुड़े हुए, बेजान, मरे हुए, पड़े हुए थे। द स्नेक्स हैड बीन वॉश्ड अप टू द सैंड बार बाई फ्लड्स एंड हैड डाइड विदाउट ट्री कवर, और वो जो सांप थे वे बहा कर लाए गए थे, किसके द्वारा? By floods, बाढ़ के द्वारा वो बह कर आ गए थे उस जगह पर, उस रेत पर, एंड हैड डाइड विदाउट ट्री कवर, और मर चुके थे बिना पेड़ की छाव के, यानी वहां पर कोई भी पेड़ नहीं था, कोई भी पेड़ों की छाया नहीं थी, जिसके वजह से, बहुत ही गर्मी के वजह से वो लोग क्या हो चुके थे, वे लोग मर चुके थे। हैड डाइड विदाउट ट्री कवर, बिना पेड़ की छाया के चलते वे लोग मर चुके थे, और किसके द्वारा लाए गए थे उस रेत पर? फ्लड्स के द्वारा, यानी बाढ़ के द्वारा वे लोग लाए गए थे, वॉश्ड अप किए गए थे। वॉश्ड अप का मतलब होता है लाया जाना। द बॉयज हार्ट ब्रोक, उस लड़के का दिल क्या हो गया? बिल्कुल टूट गया। अब आगे क्या हुआ? डिस्ट्रेस्ड एंड सीकिंग काउंसिल, दुखी होते हुए, यानी दुखी होकर, एंड सीकिंग काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है एडवाइस, सलाह, सलाह मांगने के लिए, सीख मतलब होता है मांगना, सीकिंग, सीकिंग काउंसिल, सलाह मांगने के लिए, ही मेट द विलेजर्स ऑफ द देवरी कम्युनिटी नियर बाई, वह पास के देवरी समुदाय के कुछ ग्रामीणों से मिला। ही मेट द विलेजर्स, वह ग्रामीणों से मिला, ऑफ द देवरी कम्युनिटी, देवरी कम्युनिटी के, देवरी समुदाय के, कम्युनिटी मीन्स समुदाय, नियर बाई, पास के, पास के गांव, ग्रामीणों से वो जाके मिला, किस लिए गया था? सलाह मांगने के लिए। दे एक्सहॉर्टेड हिम टू ग्रो ट्रीज टू सेव द रेप्टाइल्स, तो उन लोगों ने, एक्सहॉर्ट का मतलब होता है उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, उन लोगों ने उसे प्रोत्साहित किया टू ग्रो ट्रीज, पेड़ उगाने के लिए, टू सेव द रेप्टाइल्स, इन सरीसृपों को बचाने के लिए, इन सरीसृप, रेप्टाइल्स का मतलब जो रेंगने वाले इंसेक्ट्स होते हैं, जानवर होते हैं, एनिमल्स, वो रेप्टाइल्स कहलाते हैं, तो इन रेप्टाइल्स के जीवन को बचाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए उन लोगों ने उस लड़के को क्या किया? एक्सॉर्ट किया, प्रोत्साहित किया। फॉर वेयर देयर आर ट्रीज देयर आर बर्ड्स, क्योंकि जहां पेड़ होते हैं देयर आर बर्ड्स, वहां पक्षी होते हैं, एंड वेयर देयर आर बर्ड्स, और जहां पक्षी होते हैं देयर विल बी बर्ड्स एग्स एंड फ्लेजलिंग्स,
तो वहां पे क्या होंगे, पक्षियों के अंडे होंगे और उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे। जहां पे पक्षी होंगे वहां पे उनके अंडे होंगे और उनके फ्लेजलिंग का मतलब होता है पक्षी के छोटे छोटे बच्चे, उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे। फूड फॉर स्नेक एंड देयर इल्क, जो कि भोजन के रूप में यूज किए जाएंगे, यानी भोजन का काम करेंगे किसका, स्नेक्स के लिए, जो कि स्नेक्स के लिए भोजन का काम करेंगे। एंड देयर इल्क, और उनके जैसे और भी जो भी स्नेक्स के, सांपों के जैसे दूसरे पशु हैं उनके लिए भी ये भोजन का काम करेंगे। अलॉन्ग विद देयर नेटिव विजडम, और अपने देसी ज्ञान के साथ साथ, जो उन्होंने ये एडवाइस दिया, जो नेटिव विजडम था उनका, मतलब जो देसी ज्ञान था उसके साथ साथ, द विलेजर्स ऑफर्ड, ग्रामीणों ने दिया द बॉय, उस लड़के को 50 सीड्स, 50 बीज दिए, एंड 25 बंबूज प्लांट, और 25 बांस के पौधे दिए, 50 बीज दिए और 25 बंबू प्लांट्स दिए। अब पाइंग जस्ट 15 और 16, पाइंग जो कि 15 और 16 साल का उस समय था, सेट आउट ऑल एलोन इन अप्रैल 1979। सेट आउट का मतलब होता है भार उठाना। सेट आउट ऑल एलोन इन अप्रैल 1979 में उसने बीड़ा उठाया, अकेले बीड़ा उठाया, किस चीज का, टू प्लांट लाइफ ऑन द टफ टेरेन ऑफ द इरोडेड आइसलैंड कवर्ड विद द सैंड एंड सिल्ट। प्लांट लाइफ यानी जीवन को लगाने का, जीवन का सेंस यहां पे है, मतलब पौधों को, इन पौधों को लगाने का उसने अकेले बीड़ा उठाया, अकेले सेट आउट किया अप्रैल 1979 में। कहां पे, ऑन द टफ टेरेन, उस बहुत ही कठिन, टेरेन का मतलब होता है इलाका, उस कठिन इलाके में, उस बिल्कुल ही कड़े रूखे इलाके में, ऑफ द इरोडेड, जो कि पूरी तरह से नष्ट हो गया था, इरोडेड आइसलैंड, उस पूरी तरह से नष्ट द्वीप पर, कवर्ड विथ सैंड एंड सिल्ट, जो कि वो द्वीप क्या था, कवर्ड, भरा हुआ था, ढका हुआ था, विथ सैंड एंड सिल्ट, रेत से और सिल्ट, सिल्ट का मतलब होता है तुम्हारा वो जो पानी के साथ बहते हुए जो पतली परत मिट्टी की आती है वो सिल्ट कहलाती है। तो सिल्ट और सैंड से वो भरे हुए उस बिल्कुल बर्बाद आइसलैंड के सबसे कठिन इलाके पर पौधा लगाने का पेड़ लगाने का उसने अकेला ही बीड़ा उठाया, रिस्क लिया। ही सोएड द सीड्स एंड शूट्स, उसने बीजों को और टहनियों को यानी उस पौधों को बोया। 36 ईयर्स लेटर ही हैज रिप्ड अ फॉरेस्ट, और 36 साल बाद उसके पास एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट था। यानी रिप का मतलब होता है प्राप्त करना, मिलना, यानी हैज रिप्ड अ फॉरेस्ट, उसे एक बहुत बड़ा जंगल मिला। जंगल मिलने का सेंस यहां है कि उसने लगाया था, यानी उस जंगल के रूप में वो तैयार हो गया, वो जंगल वहां पे तैयार हो गया, कब, 36 ईयर्स बाद। लाइक ऑल ट्रूली ग्रेट पीपल, पाइंग नाउ इन हिज मिड 50s हेल्ड एज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, प्लांटर ऑफ जंगल, इज इनोसेंट ऑफ हिज फीट। लाइक ऑल ट्रूली ग्रेट पीपुल, उन सच्चे महान लोगों के जैसा, उन सभी सच्चे महान लोगों के जैसा, पाएंग मतलब जो पहले के महान लोग थे, विभूति थे, उनके ही जैसा, पाएंग जो कि 50 साल के आसपास हो चुका था, अपने मिड 50s में पहुंच चुका था, यानी जिसकी उम्र 50 साल हो चुकी थी, हेल्ड एज, उसे नवाजा गया, हेल्ड मतलब होता है पुकारना, यानी पुकारा जाना, हेल्ड एज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, उसे पुकारा गया यानी उसे नाम दिया गया फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का, प्लांटर ऑफ अ जंगल, जंगल को लगाने वाला, जंगल को लगाने वाला, या फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से उसे पुकारा गया। इज इनोसेंट ऑफ हिज फिट, जो कि ये पाएंग इज इनोसेंट, वो बिल्कुल ही सीधा साधा, इनोसेंट का मतलब यहां पे होता है सीधा साधा, अनभिज्ञ, इनोसेंट ऑफ हिज फिट, फिट का मतलब होता है दुष्कर कार्य, मतलब बहुत ही दुष्कर कार्य को करना फिट कहलाता है, यानी जो उसने काम को किया था, इस दुष्कर कार्य को, जंगल को लगाने वाला,
उस काम से वो बिल्कुल क्या था, इनोसेंट था, मतलब उसको ये नहीं पता था कि उसने कितना बड़ा काम कर दिया है, बिल्कुल ही अनभिज्ञ था। आई नेवर थॉट दैट माई स्मॉल इनिशिएटिव वुड मेक सच अ डिफरेंस वन डे, ही सेज। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा एक छोटा सा कदम, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब होता है कदम, मेरा एक छोटी सी शुरुआत यानी मेरी एक छोटी सी कदम वुड मेक, वो कर देगा सच डिफरेंस, इतना बड़ा बदलाव कर देगा एक दिन, यानी मेरा एक छोटा सा कदम एक दिन इतना बड़ा बदलाव ला देगा, इतना बड़ा बदलाव कर देगा, मैंने कभी नहीं सोचा था, ही सेज, वह कहता है। आफ्टर ऑल पाएंग स्टार्टेड स्मॉल एंड पुअर, और हालांकि आफ्टर ऑल कुल मिलाकर पाएंग स्टार्टेड, पाएंग ने यह काम जब शुरू किया था उस समय छोटा था और बिल्कुल ही क्या था, गरीब था। मींस जिस समय उसने काम को स्टार्ट किया वो छोटा भी था और गरीब भी था। हिज फादर लखीराम एंड मदर अफुली पाएंग, उसके पिताजी लखीराम और मदर अफुली पाएंग सोल्ड मिल्क, दूध बेचा करते थे, फॉर ए मीगर लिविंग। मीगर का मतलब होता है बिल्कुल ही कम, अति अल्प। अपनी छोटी सी जीविका के लिए, मतलब अपनी जीविका के लिए वे लोग दूध बेचा करते थे, जीविका के साथ साथ, इन ऑर्डर टू का मतलब के साथ साथ, यानी अपनी जीविका के साथ साथ, टू फीड देयर मेनी चिल्ड्रेन, अपने बहुत सारे बच्चे को खिलाने के लिए और अपनी जीविका के लिए वे लोग क्या करते थे, दूध बेचा करते थे, सोल्ड मिल्क। द 1965 डेल्यूज रेक्ड अरुणा सपोरी एंड फोर्स्ड पाएंग्स फैमिली अमोंग अदर्स टू मूव 12 किलोमीटर्स अवे टू मजूली ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। 1965 में डेल्यूज का मतलब होता है जल प्रलय या बहुत ही भयंकर बाढ़, डेल्यूज मतलब बाढ़ है। तो 1965 में उस अरुणा सपोरी द्वीप पर एक बहुत ही बड़ी बाढ़ आई, बहुत बड़ा जल प्रलय आया हुआ, एंड फोर्स्ड पाएंग्स फैमिली, और जिसने पाएंग के परिवार को मजबूर कर दिया, फोर्स्ड मजबूर कर देना, अमोंग अदर्स दूसरों के साथ साथ, टू मूव जाने के लिए मजबूर कर दिया, यानी वहां से हटने के लिए मजबूर कर दिया, 12 किलोमीटर अवे, 12 किलोमीटर दूर, टू मजूली, मजूली एक द्वीप नदी के उस पार था, ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, नदी के उस साइड मजूली द्वीप पर जो कि 12 किलोमीटर दूर था, वहां पर जाने के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया, किसने, डेल्यूज ने, जो डेल्यूज 1965 ईस्वी में उस अरुणा सपोरी पर आया था, उस बाढ़ ने इन लोगों को, पाएंग्स के फैमिली को और बाकी बहुत सारे लोगों को दूसरे मजूली द्वीप पर जाने के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। बट दैट वॉज नॉट द ओनली पार्टिंग, लेकिन वो केवल एक पार्टिंग का मतलब होता है जुदाई या फिर विभाजन बोला जा सकता है या फिर विदाई बोला जा सकता है, मतलब ये केवल एक विदाई या एक विभाजन या एक जुदाई नहीं था। बिफोर रिलोकेटिंग एक्यूट पॉवर्टी कॉम्पेल्ड हिज पेरेंट्स टू लीव देयर थर्ड बॉर्न 5-year-old जाधव इन द केयर ऑफ अनिल बोरातकर, अ कोर्ट मास्टर एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन जोरहट, हु लुक्ड आफ्टर हिज स्कूलिंग। मतलब ये तो हो गया कि उससे मजबूर होना पड़ा उस अपने जगह को, अरुणा सपोरी को छोड़ने का, लेकिन इसके साथ साथ केवल यही एक पार्टिंग नहीं हुआ, यही एक जुदाई नहीं हुआ, उसके साथ साथ उन्हें और क्या करना पड़ा, बिफोर रिलोकेटिंग, और वहां से छोड़ने के पहले, रिलोकेट होने के पहले, एक्यूट पॉवर्टी, उनके बहुत ज्यादा गरीबी ने, मतलब उनकी अत्यधिक गरीबी ने कंपेल्ड, उन्हें मजबूर कर दिया, कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर करना, विवश करना, कंपेल्ड कर दिया हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता को, टू लीव, छोड़ने के लिए, देयर थर्ड बॉर्न, उनका तीसरा बच्चा, मतलब उसके माता पिता को अपने अत्यधिक गरीबी के चलते मजबूर होना पड़ा छोड़ने के लिए, देयर थर्ड बॉर्न, अपने तीसरे बच्चे को जो कि 5 साल का जाधव था, मतलब अपने तीसरे बच्चे 5 साल का जाधव को अनिल बोरुतकर के देख रेख में छोड़ने के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया, यानी उन्होंने क्या, अपने बच्चे को, अपने तीसरे बच्चे को जो कि 5 साल का था, उसने अनिल बोरुतकर के पास क्या कर दिया, छोड़ दिया, जो कि अनिल बोरुतकर ए कोर्ट मास्टर एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन जोरहट। अनिल बोरुतकर कौन थे, जोरहट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय के कोर्ट मास्टर थे,
और उन्होंने ही हु लुक्ड आफ्टर हिज स्कूलिंग, जिन्होंने उसके स्कूलिंग की देखरेख की, यानी जिन्होंने उसकी पढ़ाई की देखभाल की, उन्हीं ने उसको पढ़ाया, ठीक है। आफ्टर क्लास 10 पायंग गेव अप स्कूल टू लुक आफ्टर द लाइव स्टॉक लेफ्ट बाय हिज डिसीज्ड पेरेंट्स। क्लास टेंथ कंप्लीट होने के बाद पायंग गेव अप स्कूल, पायंग ने स्कूल छोड़ दिया। टू लुक आफ्टर, किस लिए छोड़ा, देखभाल करने के लिए। द लिव स्टॉक लेफ्ट बाय हिज डिसीज्ड पेरेंट्स, उसके स्वर्गवासी पेरेंट्स के द्वारा छोड़े गए मवेशियों की देखभाल के लिए। लाइव स्टॉक का मतलब होता है मवेशी या पशुधन। अपने माता पिता के द्वारा छोड़े गए मवेशियों की देखभाल करने के लिए उसने स्कूल को क्या कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया। ही स्टिल हैज 100 काउज एंड बफलोज एंड मेक्स हिज लिविंग फ्रॉम सेलिंग मिल्क्स। उसके पास तब भी 100 गायें और भैंसें थीं और उसने दूध बेचकर उसे अपने जीविका का साधन बनाया। मेक्स हिज लिविंग, अपने जीविका का साधन बनाया फ्रॉम सेलिंग मिल्क, दूध बेचने से, यानी दूध बेचकर उसने अपने जीविका का साधन बनाया। बट ही इज नो ऑर्डिनरी कैटल ओनर, लेकिन वो कोई साधारण कैटल ओनर नहीं था, कोई साधारण पशुओं का मालिक नहीं था। ही कैन ले क्लेम टू 1,360 एकर्स ऑफ डेंस डिफिएंट फॉरेस्ट। वह उस 1,360 एकड़ में फैले हुए घने, एक निडर दबंग फॉरेस्ट, एक बहुत ही घने फॉरेस्ट में रहने का दावा कर सकता है। इन द फर्टाइल पीरियड बिटवीन अप्रैल एंड जून, अप्रैल और जून के बीच में जो फर्टाइल पीरियड होता है, जो उपजाऊ समय होता है, जिस टाइम में वर्षा होती है, मतलब खेती के अनुकूल जो समय होता है अप्रैल और जून के बीच में, ही प्लांटेड द फॉरेस्ट, उसने क्या लगाया, उस जंगल को प्लांट किया, जंगल को लगाया। ही रेटल्स ऑफ द स्पीसीज लाइक नेम्स फ्रॉम एन इंटीमेट फैमिलीज ट्रीज, बम्बूज, बहेड़ा, टीक, गंभारी, कस्टर्ड एपल, स्टार फ्रूट, गुलमोहर, डेविल स्ट्रीट, टैमरिंड, मलबेरी, मैंगो, जैक फ्रूट, प्लम, पीच, बनियान, एलिफेंट ग्रास एंड मेडिसिनल प्लांट्स एंड सो ऑन। ही रैटल्स ऑफ, वह बिल्कुल बहुत ही धड़ल्ले से इन प्रजातियों का नाम बोलता था, यानी उसे इस प्रजातियों के नाम के बारे में पहले से ही पता था। क्यों? लाइक नेम्स फ्रॉम एन इंटीमेट फैमिली ट्रीज, जो कि इंटीमेट का मतलब होता है जानकार या परिचित, यानी उस परिचित फैमिली ट्रीज, पेड़ों के जो स्पीसीज थे उसके नामों में से उन्हें ये प्रजातियां बिल्कुल ही धड़ल्ले से याद आ रहती थी, बिल्कुल ही धड़ल्ले से बोलता था। रैटल ऑफ का मतलब होता है बिना याद किए, बिना सोचे बोल देना, यानी धड़ल्ले से बोलना। तो वो जो इंटीमेट फैमिली ट्रीज थे कौन कौन से, बम्बू बांस, बहेड़ा टीक, गंभारी, कस्टर्ड एप्पल का मतलब होता है शरीफा, स्टार फ्रूट, गुलमोहर, डेविल्स ट्री, टैमरिंड, टैमरिंड का मतलब इमली, मलबेरी, मैंगो, जैक फ्रूट का मतलब होता है कटहल, प्लम, प्लम को आलू बुखारा भी बोला जाता है, पीच, बैनियान, एलिफेंट ग्रास एंड मेडिसिनल प्लांट्स एंड सो ऑन, और इस प्रकार से और भी बहुत सारे मेडिसिनल औषधीय पौधों के नाम उसे मुंह जबानी याद रहते थे। द रेस्ट ऑफ द ईयर ही कलेक्टेड सीड्स एंड सैपलिंग्स, बाकी का बचा हुआ जो मंथ था, यानी अप्रैल और जून के बाद जो उस साल में जो समय बचता था, ही कलेक्टेड सीड्स एंड सैपलिंग, वह बीजों को और पौधों को, उसके सैपलिंग को क्या करता था, इकट्ठा करता था। विद इन अ स्पैन ऑफ 5 years, और 5 साल के समयावधि के साथ, या उस 5 साल के समयावधि के ही अंदर, 1 kilometer स्टेट ऑफ लैंड गॉट कवर्ड विद डेंस वेजिटेशन डोमिनेटेड बाई ट्रीज, मतलब 5 साल के ही अंदर 1 kilometer में फैला हुआ जंगल का वो भूमि वो पूरी तरह से ढक गया, यानी भर गया, कवर्ड हो गया विद डेंस वेजिटेशन, बहुत ही घने वनस्पतियों के साथ, यानी बहुत ही घने वनस्पतियों के उगने से वो जंगल का लैंड जो था 1 kilometer में फैला हुआ, वो क्या हो गया, पूरी तरह से कवर्ड हो गया, ढक गया, डोमिनेटेड बाई ट्रीज, जो कि जिसमें मुख्य रूप से क्या हुआ करते थे, जिसमें मुख्य रूप से, डोमिनेट मतलब मुख्य रूप से होना, ट्रीज जिसमें मुख्य भूमिका
थी पेड़ों की, जिसमें बहुत ज्यादा पेड़ हुआ करते थे और भी बहुत सारे वेजिटेशन हुआ करते थे, वनस्पतियां हुआ करती थी उस लैंड पर। लोकल इनहेबिटेंट्स निक नेम्ड हिम मुलाई, और वहां के जो लोकल प्रवासी रहते थे, निवासी, इनहेबिटेंट्स का मतलब रहने वाले लोग, निवासी, वहां के लोकल निवासी निक नेम्ड हिम, उसे मुलाई का नाम दिया, यानी मुलाई कहकर बुलाते थे, मीनिंग फॉरेस्ट, जिसका मतलब होता है जंगल, मुलाई का मतलब होता है जंगल, तो वहां के लोकल निवासी उसे मुलाई कहते थे, किसे, पायंग को, एंड डब्ड हिज वुडलैंड द मुलाई फॉरेस्ट, और उस डब का भी मतलब होता है नाम देना, वुडलैंड, और जंगल, उस जंगल का नाम उसने दिया मुलाई फॉरेस्ट, ठीक है, मुलाई फॉरेस्ट नाम दिया, वुडलैंड, वुड मतलब लकड़ी और लैंड मतलब जमीन, यानी लकड़ियों का जमीन, यानी जंगल, उस जंगल का उन्होंने नाम दिया मुलाई फॉरेस्ट। एट द एज ऑफ 39 के एज में पायंग मूव्ड विथ हिज फैमिली टू एक लॉन्ग मिसिंग गांव। पायंग अपने फैमिली के साथ एक लॉन्ग मिसिंग गांव चला गया, कोकिलामुख जोरहट, जो कि जोरहट के कोकिलामुख जगह पे था, इन 2011 में जोरहट के कोकिलामुख जगह के एक लॉन्ग मिसिंग गांव में वो अपने फैमिली के साथ क्या कर गया, मूव कर गया, चला गया। दिस मीन्ट दैट नाउ हिज डे ब्रेक्स इवन बिफोर डॉन एट 3 AM एंड लुक लाइट स्टीप लिचेज बिगेन्स, और इसका मतलब कि अब उसका जो दिन की शुरुआत होती थी वो सुबह 3 बजे के पहले हुआ करती थी, और एंड लुक लाइट स्टीप लिचेज बिगेन्स, और स्टीप लेजेस का मतलब होता है जैसे एक बहुत ही भाग दौड़ वाली जिंदगी, बहुत ही ज्यादा, ए लॉन्ग रेस इन विच पीपुल जंप ओवर गेट्स एंड वाटर्स ETC, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत सारे गेट को पार करना है, बहुत सारे पानी को पार करना है, मतलब भाग दौड़ वाली जो जिंदगी थी वो क्या हो गई, शुरू हो गई। एंड लोकलाइज स्टीप लेजेस बिगिंस, 3 बजे उसका दिन हुआ करता था, यानी उसकी दिन की शुरुआत हुआ करती थी, डॉन का मतलब होता है उषाकाल, सुबह का उषाकाल, 3 बजे उसका दिन होता, शुरू होता था, एंड लुकलाइट स्टीप लेजेस बिगिंस, और भाग दौड़ की जिंदगी शुरू हो गई। ही साइकल्स एन आवर टू कार्तिक सपोरी, वह कार्तिक सपोरी जाने के लिए 1 घंटा साइकिल चलाता था, देन रोज हिज बोट, और उसके बाद वो बोट को, बोट से फॉर अबाउट 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बोट से सफर तय करता था, रोज मतलब होता है नाव चलाना या नाव खेना, 5 किलोमीटर वह बोट को चलाता था, एंड देन, और उसके बाद साइकल्स अगेन फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटा तक फिर साइकिल चलाता, अक्रॉस ग्रासी मीडोज, उस घास भरे मैदान से होकर 1 घंटा फिर वो साइकिल चलाता था, टू रीच हिज काउ शेड, अपने गाय के शेड पर पहुंचने के लिए, मीन्स अपने गायों के पास पहुंचने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता था, पहले 1 घंटा वो कार्तिक सपोरी से स्टार्ट करता था साइकिल चलाना, फिर एक जगह जाके वो 5 किलोमीटर उसे नाव से सफर तय करना पड़ता था, फिर उसके बाद साइकिल से वो आधा घंटा उस पूरे घास के मैदान से होते हुए आधा घंटा सफर तय करता था, तब जाके वो पहुंचता था टू रीच हिज काउ शेड, अपने गायों के शेड के पास पहुंचता था, टू क्लीन आउट द डंग, उसके डंग मतलब गोबरों को साफ करने के लिए, मिल्क द कैटल मवेशियों को दुहने के लिए, एंड स्प्रेड कैटल मैन्योर टू फर्टिलाइज द फील्ड्स, और कैटल के जो मैन्योर जो खाद होते थे उस खाद को फील्ड को फर्टिलाइज करने के लिए बिछाने के लिए, मीन्स इन सभी कामों को करने के लिए उसे इतना दूरी तय करना पड़ता था। मिल्क डिस्पैच फॉर सेल, दूध को बेचने के लिए डिस्पैच कर दिया जाता, भेज दिया जाता था। अ क्विक ब्रेकफास्ट बिहाइंड हिम एट 9, और उसका जो सुबह का नाश्ता होता था वो 9 बजे के आसपास होता था। एंड ही इज रेडी टू वॉक इन टू ही जंगल, और उसके बाद वह जंगल में सैर के लिए तैयार हो जाता था, मीन्स इन सभी कामों को करने के बाद 9 बजे नाश्ता करके फिर वो जंगल के लिए रवाना हो जाता था, तैयार हो जाता था। तो द फॉरेस्ट दैट पाइन ग्रीव नाउ हाउसेज 5 रॉयल बंगाल टाइगर्स, अब वो जो जंगल था
वो क्या हो गया, पांच रॉयल बंगाल टाइगर्स, रॉयल बंगाल टाइगर्स का अब घर बन गया, यानी वहां पे पांच बंगाल टाइगर्स रहने लगे ओवर ए 100 डियर, 100 से अधिक डियर यानी हिरण, वाइल्ड बोर, मोर देन 100 वल्चर्स, 100 से अधिक वल्चर्स गिद्ध रहने लगे, सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, बहुत प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां रहने लगी, इंक्लूडिंग पेलिकन्स, 3 और 4 ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोर्स, 3 या 4 एक सींग वाले गैंडे, बहुत बड़े बड़े गैंडे, बिसाइड्स ऑफ कोर्स द स्नेक्स, और यहां तक कि उसके साथ साथ सांप भी, हु आर द जेनेसिस ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी, जो कि इस स्टोरी के ये जो इतना चीज हुआ, इतना कुछ किया गया पायंग के द्वारा, उस कहानी का जो सबसे बड़ा जेनेसिस था, जेनेसिस का मतलब यही मेन ओरिजिन था, सांप, सांप के ही मरने के चलते उसने ये इतना बड़ा कदम उठाया था। तो उन जंगलों में इतने सारे जानवर रहने लगे। तो आज के लिए, चूंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद पार्ट टू में मैं इसका बचा हुआ जो पार्ट है उसको क्लियर कर दूंगा। तो आप लोग फिर इसका वर्ड मीनिंग और बाकी का चीजों को फिर से एक बार रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।